दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारी नेवी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए अलग अलग वेपन्स डेवलप कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंडियन नेवी ने ऐसे कई वेपन्स और इक्विपमेंट बनाए हैं जिनकी बदौलत आज इंडियन नेवी टफ से टफ सिचुएशन में भी बहुत इफेक्टिवली सर्वाइव कर पाई है। एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत को एक मेजर पुश देकर इंडियन नेवी ने रक्षक डेवलप किया है, जो कि एक फैसिलिटी है जिसकी मदद से नेवी पर्सनल को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह हार्श कंडीशन में डैमेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को लेकर INS सातवाना कॉमोडोर रजत नागपाल ने बताया है कि डैमेज कंट्रोल और फायर फाइटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी ऐसी यूनिक फैसिलिटी है जिसे खास तौर पर डैमेज के समय सबमरीन को बचाने के लिए इस्टैब्लिश किया गया है। इस डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी में दो सिमुलेटर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से एक फायर फाइटिंग सिमुलेटर है और दूसरा डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर। ये सिमुलेटर अलग अलग तरह की फायर इमरजेंसी में सर्वाइव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर हम फायर फाइटिंग सिमुलेटर की बात करें तो इसे नेवी पर्सोनल को सबमरीन में आग लगने पर किस तरह से फाइट करना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये सिमुलेटर फायर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसे पर्सनल फेस कर सकते हैं। सबमरीन्स में कई रीजंस की वजह से फायर इमरजेंसी, इलेक्ट्रिकल फायर, ऑयल फायर और जनरल फायर और इन सभी इमरजेंसीज में किस तरह से फाइट करना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग फायर सिमुलेटर प्रोवाइड करता है। यहीं पर आत्मनिर्भर भारत मिशन की बात करें तो इस मिशन में रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव किया गया है। डिफेंस सेक्टर ने इस मिशन में 13,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। आत्मनिर्भर भारत को पुश देकर ऐसे कई वेपन हैं जिन्हें इंडिजीनियसली बनाया गया है, जैसे कि 155mm 52 कैलिबर एडवांस टाउट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसी के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलग अलग तरह के नए वेपन सिस्टम को डेवलप किया है, जो आज इंडियन पेवेलियन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने माउंटेड गन सिस्टम, 25-टन लाइट टैंक, ड्रोन किल सिस्टम और इन्फैंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर जैसे वेपन्स को बनाया है। आत्मनिर्भर भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2020 में लॉन्च किया था और इस मिशन के जरिए गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा फोकस इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने का रखा था। सेल्फ रिलायंस इंडिया में 5 पिलर रखे गए थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। इसके लिए 2020 में गवर्नमेंट ने 2,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी अनाउंस किया था, जो कि इंडिया के जीडीपी का 10% है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस इंडिया की MSMCs और कॉटेज इंडस्ट्री को दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग रिफॉर्म्स को भी डेवलप किया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।